कुदरत ने मुझे ही अपनी अनेक नेमतों से नवाजा है। पहाड़ों, चश्मों, फलों, फूलों, वृक्ष बेलों का अनंत खजाना दिया है मुझे। आदिकाल से मुझे पहचाना और अपनाया गया। मुझ पर ही ऋषियों मुनियों ने रचे अपने वेद। जी हां, मैं हूं आयुर्वेद। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका, स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम मैं हूं आयुर्वेद में, स्पॉन्सर्ड बाय पुखराज हेल्थ केयर। दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के विषय पे। जी हां, हम अपनी डिस्टर्ब लाइफ के कारण बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिनके कारण बच्चों को काफ़ी बीमारियाँ लग जाती हैं और काफ़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं हमारे बच्चे। मेनली बीमारियाँ हो जाती हैं उनके हेल्थ और मेंटली जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे सामने आते हैं। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशु रैना जी, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जालंधर के, जो मेडिकल विभाग में काम कर रही हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम। निशु जी, हमें ये बताइए कि बच्चों में होने वाली हेल्थ से रिलेटेड और मेंटली रिलेटेड बीमारियों का क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली सबसे मेन रीज़न देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। पुराने टाइम में क्या था, लोग सैर करते थे, घूमते थे, फिरते थे, आउटडोर गेम्स बहुत ज़्यादा थी, जो कि आजकल के टाइम पर नहीं है। आजकल मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेस इंडोर गेम्स पे दिया जा रहा है और कुछ टाइम जो भी बच जाता है बच्चों के पास वो सारा का सारा टाइम यूटिलाइज करते हैं मोबाइल में गेम्स खेलने पे या टीवी में कार्टून चैनल्स वगैरह देखने में। एज अ रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम सफरिंग जो है बच्चों में मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रेन से रिलेटेड हो रही है। ब्रेन से रिलेटेड बात करें तो हम स्ट्रेस कह सकते हैं, एनजाइटी कह सकते हैं, मूड डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, बिहेवियर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सिंपली अगर वो पढ़ रहा है पर वो प्रॉपर उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है वहाँ पे। और इसके अलावा जो मेन बीमारियाँ बच्चों में देखने को मिली है वो है ऑटिज्म वगैरह या सेरिब्रल पाल्सी वगैरह, इस तरीके की बीमारियाँ हो रही है। जैसे मैम आपने रीजंस बताए जब हमारे बच्चों पर हेल्थ और मेंटली के कोई इशू पड़ते हैं या कोई से डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, तो कौन से इफेक्ट निकल के सामने आते हैं कि किस चीज़ का ज़्यादा मेनली असर पड़ता है बच्चों पर? बच्चों पे मेन जो असर पड़ रहा है, एक्चुअली आजकल है स्विफ्ट चेंजिंग कंपेटिटिव वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है, हर जगह डिजिटल हो चुका है, तो सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है, बहुत लिमिटेड रह गई है आजकल की। आज तो ये हाल है कि इवन क्लासेस में देख लो, क्लासेस में एक बच्चे को ये नहीं पता होगा कि उसके क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं और कौन कौन से नहीं है, बिकॉज उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बाउंड कर दिया है सोशल ऐप्स के साथ, सोशल एक्टिविटीज़ इंस्टीड ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ सोशल ऐप्स के साथ ज़्यादा बाउंड किया है। एज अ रिज़ल्ट क्या है कि उनके ब्रेन का विकास जो होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उनमें वो मानसिक तनाव जो है उससे ग्रस्त हो रहा है, जिसकी वजह से उनमें स्ट्रेस हो गया या एनजाइटी हो गई या बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जिसके लक्षण के स्वरूप आप देखोगे अगर हम पूरे घर में बच्चे भी बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं साथ में, तो बच्चे क्या करेंगे, वो वहाँ से उठ के अपने बेडरूम में चले जाएंगे, या कोई गेस्ट आ रहा है उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उठ के अपने बेडरूम्स में जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर उनके फ्रेंड सर्कल में इंस्टेड ऑफ बाहर आउटडोर गेम्स खेले, उसके मतलब मुनासिब वो ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो अंदर आए और कोई इंडोर गेम खेले या अपने मोबाइल्स पे लगे रहे, जिसकी वजह से स्टडीज़ पे भी वो प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं और मेंटल जितनी उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पा रही है। मैम, जो बच्चे ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन से साइंस उनके निकल के सामने आते हैं, कैसे इफेक्ट पड़ता है उनको? बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने। होता क्या है, जब भी कोई भी बच्चा इस तरीके की बीमारी से ग्रस्त होता है सबसे पहले वो प्रेफर करेगा अकेले में रहना, जितना आप उससे अकेला रहोगे उतना ज़्यादा खुश रहेगा। नंबर टू पे आप देखोगे उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। नॉर्मली हम क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा बिहेवियर रहता है, अगर कोई हैप्पीली मोमेंट है तो हम हैप्पीली एंजॉय करेंगे उसे, या अगर कोई सैड मोमेंट है हम सैड के अकॉर्डिंगली उसे एंजॉय करेंगे, बट उसे ये गेस नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सा मोमेंट है इसके लिए हैप्पीली वाला मोमेंट है या सैड मोमेंट है। जहाँ पे हंसना है वहाँ पे उसके रोने वाला सीन होगा, जहाँ पे वो रोना है वहाँ पे हंसने वाला, टोटली मूड डिसऑर्डर है उसमें, उसके बिहेवियर में चेंज है, वो आपके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें भी चेंज आएगा।
लैक ऑफ कंसंट्रेशन. आप स्कूल जाओगे, उनके टीचर्स से पूछोगे, तो आपके टीचर्स वहाँ पे आपको रिपोर्ट करेंगे कि आपका बच्चा नो डाउट क्लास में तो है वो, बट वो मेंटली यहाँ पे नहीं है, मेंटली वो एब्सेंट है यहाँ पे. इसका मतलब वो अपनी स्टडीज़ पे भी प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है. नंबर थर्ड, सबसे ज़रूरी, अगर होता क्या है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को कभी गलत नहीं मानता, वो कहता है कि शायद मे बी ऐसा टाइम है, बचपन है, इसलिए कि इसमें ये सारे सिम्टम्स है. बट अगर ये पेरेंट पहले से ही नोट कर ले कि ये सारे जो है वो एबनॉर्मल फीचर्स हो सकते हैं, एबनॉर्मल साइंस हो सकते हैं, तो शायद उसकी कंडीशन जो है अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ी जाए तो बहुत अच्छी रहेगी, इससे पहले कि उसकी कंडीशन जो है वर्स्ट हो. और अगर ये कंडीशन पहले से वर्स्ट हो जाए तो ऐसा पेशेंट, ऐसा बच्चा जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी सोशल क्राइम का हिस्सा बन सकता है. सोशल क्राइम की बात करें, चाहे वो अपने आप को मारने की बात हो, चाहे सुसाइडल टेंडेंसी की बात करें आप, या फिर किसी और को मारने की बात हो, यानी उसके बिहेवियर में आपको कहीं ना कहीं पे वायलेंस से देखने को मिलेगी. मैम, हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में, जैसे कि ग्रोथ, अगर मैं हाइट ग्रोथ की बात करूँ, वो नहीं बच्चों की बढ़ रही है, उसका क्या, उसका भी कारण हम स्ट्रेस ही मानते हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम. एक्चुअली जहाँ पर ग्रोथ की बात होती है, ग्रोथ को हम डॉर्फिज्म कहते हैं. ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के बहुत सारे रीजंस हैं ग्रोथ ना होना. ग्रोथ की बात करें तो सबसे मेन रीज़न है हार्मोनल डेफिशिएंसी या हार्मोनल अम्बैलेंस का होना. उसकी वजह से क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, वो फंक्शन बॉडी प्रॉपरली नहीं कर पाएगी. एज अ रिजल्ट जो हार्मोन्स स्क्रीट होने थे, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, वो प्रॉपरली नहीं स्क्रीट हो पाएंगे, तो बच्चा जो डॉर्फिज्म की तरह जाएगा. ये तो वो रीज़न है जो हम एनाटॉमिकली देख सकते हैं या मेडिकली देख सकते हैं. इसके अलावा जो सबसे कॉमन रीज़न है, जैसे कि आप बोल चुके हैं स्ट्रेस फैक्टर, ठीक है. नंबर थर्ड पे स्ट्रेस फैक्टर के अलावा माल न्यूट्रिशन डिजीज़ है. माल न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है अगर हम बच्चे को किस टाइम पे, किस एज ग्रुप में क्या देना चाहिए, इसका ध्यान नहीं रखते हैं प्रॉपरली, तो उसकी वजह से क्या है, जो विटामिन, जो मिनरल्स या जो भी व्हाटसोएवर जो भी हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को, जिस टाइम पे जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती. क्योंकि ग्रोथ का भी एक टाइम है. अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, अगर हम जिस मेंटल ग्रोथ की बात करें, तो 1 से 5 साल का टाइम वो होता है जब भी कोई बेबी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी मेंटल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट पीक पे होती है. आफ्टर 5 to 18 की बात करें, ये वो पीरियड है, वो है उस टाइम पे उसकी प्रॉपर ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ जो है वो मेन पीक पे होती है. सो इट्स बेटर कि हम प्रॉपर डाइट प्लान देखें कि फ्रॉम 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक क्या देना चाहिए, आफ्टरवर्ड्स क्या देना चाहिए. आजकल के एरा में हर फीमेल देखो अपने फिगर के पीछे बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉन्शियस है. एज अ रिजल्ट क्या, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसकी दिनों दिन कमी हो रही है, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, बच्चों को जो चीज़ मिलना चाहिए 1 मंथ से लेके 5 मंथ्स तक बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो चीज़ें ब्रेस्ट फीड में है वो आप और कोई चीज़ दे दो, उससे वो चीज़ नहीं मिल सकती बच्चों को. नंबर 2 पे बात करें, स्टिल क्या करते हैं पेरेंट्स, चाहे वो सर्विस में है या व्हाटसएवर और कोई भी रीज़न है, तो बच्चों को मेड्स के हवाले छोड़ दिया. एज अ रिजल्ट उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है. आफ्टर 5 मंथ्स बच्चों को हमें जूसेस पे शिफ्ट कर देना चाहिए. और 6-7 मंथ्स के बाद जैसे टीथ इरप्शन शुरू हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ फ्रूट्स दे दो, दलिया दे दो, सैलड्स दे दो, जो कि बच्चा ले सके, सॉफ्ट डाइट हो. देन जैसे ही वो 1 साल या 2 साल का हो रहा है, जो हमारा डाइट है नॉर्मल डाइट, उसको टोटली नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट कर लो. इससे क्या है कि अगर हम बच्चे को जस्ट दूध ही पिलाते रहेंगे तो बच्चे को कैल्शियम तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी के विटामिन नहीं मिल पाएंगे या बाकी के मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे. या अगर खाली फ्रूट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल नहीं दे रहे, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आयरन तो मिल रहा है, लेकिन बाकी का जो हमें कोबाल्ट, जिंक, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, वो नहीं मिल पाएगी. इसलिए कि हमें हर एज के अकॉर्डिंगली एक डाइट पैटर्न जो है वो फिक्स किया गया, उसे फॉलो करना चाहिए ताकि बच्चों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. सो यहाँ पे हमें डॉक्टर निशु रैना ने बताया कि हर एक एज के अकॉर्डिंगली जो बच्चे का डाइट प्लान है वो तय किया जाता है. जैसे आयुर्वेद में अगर मैं मानसिक रोग का इलाज ढूंढूं तो मुझे क्या मिलेगा? जो इलाज आपको मैम आयुर्वेद में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको. मानसिक रोगों की जहाँ तक बात है, अगर हम देखें, मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बट अगर हम बाकी पैथीज देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स, सेडेटिव्स वगैरह दे देते हैं. उससे क्या है कि बच्चा हो या बड़ा हो, उसकी ब्रेन की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो रही है कहीं ना कहीं पर. बट जहाँ पर आयुर्वेदा की बात है, आयुर्वेदा एज वी नो ये रूट से काम करता है. आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ हैं. अगर हम ज़्यादा दूर ना जाए, जैसे उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें, तो हमारे पास पुखराज प्योर हर्बल्स की तरफ से योकिड करके बहुत अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट आया है, जिसमें सभी हर्ब्स जो है एक ही कंटेनर में आपको सारे के सारे हर्ब्स मिलेंगे.
सो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े थे दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर निशु रैना जी, जिन्होंने हमारे साथ आज चर्चा की बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में। नए एपिसोड के साथ नए विषय पर चर्चा लेके फिर से हाजिर होंगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मैं हूँ आयुर्वेद, स्पॉन्सर्ड बाय पुखराज हेल्थ केयर। एज अ वर्किंग मदर मेरे लिए बड़ा वड्डा चैलेंज सी कि मेरा बेटा वो कितना खाएगा चीज़ें, उन्होंने एनर्जी लैवल कितना होएगा। और जब भी उन्होंने मैं खाने लिए कुछ कहती सी कि बेटा रोटी खानी या कुछ भी, हमेशा उन्हें कि नहीं मम्मा मैंने वो चिप्स दे दो खाने लिए या जूसिस वगैरह। दैन मैं अपनी एक फ्रेंड ने डिस्कस किया कि मेरा बेटा इस तरह दी प्रॉब्लम्स मैं आ रही ने कि वो खाना नहीं प्रोपर खाता। दैन उन्होंने मैंने सुजैसट किया कि गो फॉर पुखराज योकिड। एक नवा प्रोडक्ट से जोड़ा पुखराज ने योकिड लॉन्च किया, बच्चों की इम्यूनिटी उन्होंने एनर्जी लैवल में बूस्टअप करने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू पुखराज के उन्होंने योकिड लॉन्च किया। और मैं प्राउडली ये चीज़ शेयर करती हाँ कि मेरा बच्चा मंग के और इधर खो के मेरे को चीज़ खाता सगा कि मम्मा मैं पुखराज का योकिड जोड़ा पीण लिए दौ। और नितनेम वागू जिदा चीज़ा साड़ी लाइफ के एक आ जा शामिल हो जाए। सो पुखराज योकिड अज के टाइम के साड़ी फैमिली का एक पार्ट बन चुका है। घर के किसी भी कॉर्नर के मैं रखा, मेरा बेटा उन्होंने लभदा आ, उन्होंने पीता आ। और उस तो बाद ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਯੋਕਿਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਖਰਾਜ ਯੋਕਿਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, मैं हूं आयुर्वेद में। आज हम आपके समक्ष हो रहे हैं नई जड़ी बूटियों का संगम लेकर के, जो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। और उसके बारे में आज विस्तार में आपसे जानकारी शेयर करेंगे कि इस आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से हम अपने बच्चों को तंदुरुस्त और तेज़ दिमाग कैसे बना सकते हैं। हर घर में ये समस्या होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही ढंग से खाते पीते नहीं हैं, और हर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे की जो बुद्धि का विकास और तेज़ी से हो। और इस फेज़ को मैंने पर्सनली फेज़ किया है, जब बच्चे जो हम कहते हैं दाल सब्जी खाएं, घर की बना हुआ खाना खाएं, तो उनको पसंद नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और हम इस फील्ड में थे और ये सोच रहे थे कि बच्चों को कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो आयुर्वेदिक हो और इनको भूख भी लगे और इनका जो माइंड की ग्रोथ है वो भी अच्छी हो। फिर सामने आता है हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो आयुर्वेद के अंदर है कि आप इनको दिमाग के लिए ब्रह्मी दो, शंखपुष्पी दो, अश्वगंधा एनर्जी के लिए दो, वचा दो, जिससे आपके दिमाग के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और भूख के लिए एलोवेरा दो। तो ये बड़े तो बड़ी आसानी से समझ आते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आती। और उसके लिए हमने काम स्टार्ट किया कि बच्चों के टेस्ट के अनुसार काम किया जाए। तो फिर हमने ये चीज़ इन्वेंट की जिसका नाम भी योकिड है, जो बच्चे पसंद करते हैं यो आजकल। तो इसके अंदर हमने शंखपुष्पी, वचा, अश्वगंधा, ये सारे मटेरियल्स जो हैं आयुर्वेदिक इसके अंदर डाले गए हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसका जो टेस्ट है वो मैंगो का टेस्ट है, जो बच्चों को बेहद पसंद होता है। और इसमें एक खुशी मुझे और हुई कि पहले दिन से ही इसका जो रिज़ल्ट है वो विजिबल है, सामने आता है आपके। और ख़ास बात यह है कि जब हम बच्चों को देते हैं, हम कहते हैं कि 2 स्पून आपने एक दिन में देने हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड होती है कि मुझे 2 चम्मच और दो। अगर आप भूल भी जाएं तो बच्चे आपको याद करवाते हैं कि आज आपने मुझे योकिड नहीं पिलाया, क्योंकि ये स्वाद के साथ साथ जो हेल्थ प्रोवाइड करता है, और जब वो पीता है उसे खुशी होती है कि वो टेस्ट उसको अच्छा लग रहा है, और हमें खुशी होती है कि जो हम इसको देना चाहते हैं खुशी खुशी ले रहा है। तो ये इस प्रोडक्ट की खासियत है, जिसकी वजह से ये बच्चों में बहुत पॉपुलर है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं
जिसमें बच्चे खाने पीने में आनाकानी करते हैं, खाते नहीं हैं, या जो पढ़ाई करते हैं उनको याद नहीं रहता, आपको लगता है कि उनकी याददाश्त और बढ़िया हो जाए और उनका खाने पीने का सिस्टम, भूख उनको प्रॉपर लगे और जो खा रहे हैं उनकी सेहत के लिए वो अच्छा हो, तो उसके लिए आप योकिड स्टार्ट करें और इसके रिज़ल्ट आपको पहले दिन से ही नज़र आ जाएंगे।